वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद बर्निका। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज पे है। तो जी हाँ, आज की वीडियो है नेल एक्सटेंशन एट होम। तो यानी कि आज का जो वीडियो है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेल आर्ट तो सबको ही करना पसंद होता है। आजकल तो जो इतना ज्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जिसको देखो वही नेल आर्ट कराना चाह रहा है। मैं बताऊं मैंने क्यों ये वीडियो सोचा कि मैं एक दिन गई थी अपने पार्लर में, वहां पे तो एक लोग आई थी, तो वो नेल एक्सटेंशन के लिए पूछ रही थी। तो मुझे लगा कि नेल एक्सटेंशन तो मेरे ख्याल से तो सैलून या फिर कोई ऐसी बहुत हैवी चीजें नहीं है, तो सैलून या पार्लर में जाके तो मुझे नहीं समझ में आता, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है ये सब चीज़ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैंने फटाफट मीशो से मंगाया है ऑनलाइन। मैंने कहा कि चलो इसकी, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल घर में मेरे कोई भी नेल्स वगैरह नहीं है, मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने फटाफट ऑनलाइन देखा तो मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट में मीशो पर मिल गया था। तो बहुत ही कम प्राइस में मीशो से मैंने मंगाया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस आप लोग के लिए होगा। इसका जो ऑर्डर आईडी है, जो इसका कोड है, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जो भी परचेस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि घर पर कैसे करते हैं नेल आर्ट। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये मैंने एक कॉम्बो मंगाया हुआ था, ये 100 नेल्स का, ये 100 नेल्स है, और इसके साथ मुझे ये मिला था नेल आर्ट के लिए स्टिकर, जो कि बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ मुझे मिला था ये ग्लू। ये तीनों चीज़ का कॉम्बो था। तो जो मैंने देखा और मुश्किल से ये 201 यानी कि 101 रुपये में था, इससे सस्ता नेल आर्ट कहाँ हो सकता है। तो ये मैंने फटाफट ऑर्डर किया, और बस मेन नेल आर्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये नेल है और आर्ट के लिए स्टिकर, या आपको सेल्फ कोई डिज़ाइन आती है तो आप आराम से नेल आर्ट कर सकते हो इजिली, ये स्टिकर वगैरह से हो जाती है, सुंदर लगने से मतलब है, जो भी सुंदर लगे, और ये ग्लू की ज़रूरत है। तो और ये तीन चीज़ अगर आपके पास है तो आप आराम से नेल आर्ट कर सकते हो, और इसके बाद तो जो सारी चीज़ें होती हैं घर में आराम से मिल जाती हैं, नेल पेंट है, ग्लू नेल पेंट है, फाइलर है, नेल कटर है, और ये सब चीज़ तो आराम से मिल जाती है। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल आर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए रिमूवर से अच्छे से अपने नेल को क्लीन कर लेना, ताकि जो भी नेल पॉलिश वगैरह, नेल पेंट वगैरह कुछ भी लगी हो अच्छे से वो रिमूव हो जाए। मेरे पे अभी मेरी तीज थी तो हल्की सी मेहंदी लगी हुई थी, पता नहीं कैसे लगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो तो नहीं रिमूव हो सकती, लेकिन जो नेल पेंट था वो अच्छे से रिमूव हो गया। उसके बाद अगर आपके नेल्स हल्के हल्के बड़े हों तो उसको अच्छे से नेल कटर से कट कर लीजिए। मेरे बहुत ज़्यादा नहीं बड़े थे, थोड़े थोड़े थे, इससे मुझे थोड़ा ही थोड़ा कट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो नेल को अच्छे से कट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक फाइलर की हेल्प से, अगर आपके पास नेल किट हो तो उसमें ये चीज़ मिलती हुई है नेल को सेट करने के लिए, तो जो ये नेल की स्किन होती है इसको फाइलर की बैक वाले की हेल्प से इसको अच्छे से अंदर से पुश करके इसको थोड़ा सा सही करेंगे, जो ताकि ये जो डेड स्किन है वो हमारी चली जाए। तो ये पूरे नेल्स को अच्छे से पुश करके इसको क्लीन कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि नेल आर्ट करने के लिए पूरी, मतलब आपके पास पूरी नेल आर्ट किट हो या फिर नेल फाइलर किट हो तभी आप कर सकते हो, मैनीक्योर पेडिक्योर सेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास जो भी थोड़ा फाइलर हो, थोड़ी भी चीज़ हो, तो बस नेल पेंट ज़रूरी है, और आपके पास आर्टिफिशियल नेल होना चाहिए, ग्लू होना चाहिए, तो आप उसे अच्छे से नेल आर्ट कर सकते हो। तो फाइलर की हेल्प से ही मैं अच्छे से इसको नेल को क्लीन कर लिया है, और जो इसकी डेड स्किन थी वो पूरी निकाल दी है। अब मुझे एक चाहिए बफर, ये बफर आपके पास होना ज़रूरी है, बफर ले लेंगे, और इसके बाद ये जो आपकी नेल्स है इसको अच्छे से रब करेंगे, ताकि जो मेरा ग्लू है वो अच्छे से स्टिकी हो सके। तो ये पूरे नेल्स को मैं अच्छे से बफ कर ले रही हूँ। इन नेल बफर जो है वो आप मार्केट से भी ले सकते हो, मैंने मार्केट से लिया था, मैंने इसे ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। ये मेरा था 70 रुपीज़ का नेल बफर, आप मार्केट में आसानी से ले सकते हो। और इसके बाद मुझे चाहिए एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाने से पहले ये होता है कि अगर आप ग्लू लगा रहे हो तो वो आपके जो स्किन होती है, जो आपकी नेल होती है, उसको कोई मतलब हार्म नहीं होता है, और इस पर पहले नेल पेंट लगा लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो पहले इसको नेल पेंट सारे नेल में इसको लगा लेंगे, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट।
मैं नेल पेंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो रखे रखे मेरा पूरा जो है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए 30, 40, 50 ज़्यादा 50 रुपीज़ वाला ही नेल पेंट मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, नहीं तो मेरी जो बेटी है वो पूरा बेकार कर देती है। तो इसलिए मैंने इसको ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लिया था। इसको पहले अच्छे से नेल आर्ट करने से पहले इसको लगा लेना है। फर्स्ट स्टेप मेरा नेल आर्ट करने से पहले नेल पेंट, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाना है, उसके बाद ही हम ग्लू ट्राई करेंगे। तो ये नेल पेंट लग गया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई कर लेना है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से सूख जाए, नहीं तो जो आपका ग्लू है वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा। और फिर इसके बाद आती है नेल सेलेक्ट करने की बारी। अब जो मेरे पास ये 100 नेल्स का पैकेट है, इसमें से मैं अपने नेल्स के अकॉर्डिंग नेल्स सेलेक्ट करूँगी। आपके जैसे नेल्स हों वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी के बड़े नेल्स होते हैं, किसी के छोटे नेल्स होते हैं, किसी के थोड़े मोटे होते हैं, किसी के थोड़े पतले हैं, तो हर साइज़ के यहाँ पे नेल्स अवेलेबल हैं इस पैकेट में, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे नेल्स आ रहा है, ना बहुत बड़े नेल हैं ना बहुत छोटे हैं, तो ये मीडियम साइज़ के जो नेल साइज़ थी जो मेरे नेल्स की, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से अपने ओरिजिनल नेल के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे नेल सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने नेल सेलेक्ट कर लिया है, अब आती है नेल को स्टिक करने के बारे। तो अब हम ये जो मेरे पास ग्लू है, इसको बहुत लोग नेल के ऊपर लगा लेते हैं, बट इसको नेल के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके जो नेल्स आर्टिफिशियल नेल है वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा। तो ये नेल में ही स्टिक होगा, जो आर्टिफिशियल नेल है इसी के ऊपर लगाना चाहिए, कभी भी ओरिजिनल नेल पर नहीं लगेगा ये। अब हम इसे जो ये मेरा आर्टिफिशियल नेल है, इस पर मैं अच्छे से इसको ब्रश की हेल्प से, इसमें ब्रश होता है उसकी हेल्प से मैं इसमें लगा लूँगी ग्लू, और इसके बाद मैं इसको अपने नेल्स पे अच्छे से सेट कर लूँगी। अब थोड़ा सा बस इसको जो आपका ओरिजिनल नेल है और स्किन है थोड़ा सा गैप करके ही लगाएंगे, ताकि जो ये नेल पेंट लगाएं तो अच्छे से ये दिखे। तो और इसको 15 से 20 सेकेंड के लिए आप इसे अपने जो नेल्स पर होल्ड करके ही रखना है, तब वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ये पूरे नेल्स में हम इसी तरह लगाएंगे, और नेल लगाते समय ये ध्यान रखिए कि जो इधर राउंड शेप जिधर रहता है वो स्टिकी होने के लिए रहता है, और जिधर ये आपका शेप है, आप इस चाहे ये शेप रखिए, चाहे आप इसे पार्लर की हेल्प से आप इसे शेप दे सकते हो, बट मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हमेशा ही ये शेप ही रखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें कोई भी शेप नहीं देती हूँ। अगर आप चाहिए तो अपना आराम से राउंड शेप जो भी आपका मन हो आप दे सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से अच्छे से ग्लू से लगा ले रही हूँ। नेल को स्टिक करने के बाद अब हम नेल बफर की हेल्प से जो मेरा जो नेल आर्टिफिशियल नेल्स लगाया है
उसको अच्छे से बफ कर लेंगे ताकि जो नेल पेंट रहे वो ओरिजिनल दिखे, जो आपका नेल्स है वो बिल्कुल ओरिजिनल दिखे। नहीं तो इसमें जैसे रिमूव करने के बाद रैशेस पड़ जाते हैं अगर आप इसमें बफ नहीं करोगे नेल्स को। तो बफ़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर बफ़ करिएगा, तो ये फिर ये जो आपका फेक नेल्स है वो मैट लुक में आ जाएगा। ये देखिए मैट लुक में आ गया है और ये इसमें सब शाइनिंग है। तो ये सारे नेल्स को मैं यहाँ पे बफ कर ले रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इस पर नेल पेंट अप्लाई करूँगी। पे मैंने दो नेल पेंट चूज़ किया है, एक सिल्वर है जो कि शाइनिंग वाला है, एक हल्का शाइनिंग मैट लुक पे तो नहीं बोलेंगे, हल्का शाइनिंग है लाइट पीच कलर। तो ये मैं पहले इस पे जो एक मैं रखूँगी वो सिल्वर रखूँगी और शाइनिंग वाला और सारे जो मैं हैं लाइट पीच पे रखूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से नेल पेंट अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं अपनी जो नेल आर्ट है बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट तरीके से इस स्टिकर के मदद से मैं कर लूँगी। ये मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, कोई भी चूज़ करके आराम से लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिसके पास इतने सारे ऑप्शन हो तो फिर नेल आर्ट करने में क्या दिक्कत आएगी। आप कोई भी चूज़ करिए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अपने थंब के लिए इसे ही चूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक प्लकर की हेल्प से इसको निकाल के और यहाँ से अच्छे से लगा लिया है। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। तो आप भी बहुत ही ईजली बहुत ही आराम से इसको नेल आर्ट कर सकते हैं, सुंदर के सुंदर और आपके बजट में आराम से हो सकता है। तो ये नेल आर्ट मैं बहुत ही आसानी से करी हूँ। अगर आपको मेरा ये नेल आर्ट करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जो स्टिकर हैं वो अच्छे से अपने अकॉर्डिंग जो मुझे पसंद आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारी नेल आर्ट कर ली हूँ। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद हो आप अपने दिमाग से अपने माइंड से आप इस पर नेल आर्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इजी एंड बहुत ही कम प्राइस में आपके घर पे ही हो सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर डाल दूंगी, आप लोग एक बार ज़रूर परचेज करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।